Hello and assalamu alaikum. This is Zora Umar and I'm the founder of Mentoring Hub, also the founder of the International Mindful Satora Network in the region. 2020 में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लूज़ किया और बहुत कुछ गेन भी किया. मेरी अपनी एक सोच छोटी सी ये कि 2020 के पैंडेमिक के आने के बाद हम जिस तरह जुड़े, पहले इससे पहले कभी इस तरह जुड़े नहीं थे, है ना. और आप सब मेरी सोचों में रहे हैं, आपके बारे में मैं सोच रही थी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि जिस तरह से हमने ये लॉसेस, ये सर्वाइवल मोड एक साथ फेस किया, एक साथ गेन भी किया, एक साथ लूज भी किया, एक साथ फेलियर्स भी देखे और एक साथ ही उठ खड़े होने की कोशिश की. जब हम सोचते हैं और ये कहते हैं कि 2020 हमारा कैसा गुजरा, और जब कोई मुझसे ये सवाल करता है तो मैं एक ट्रेल ऑफ थॉट में चली जाती हूँ. एक लंबी सी एक कहानी है जो स्टोरी रिप्ले होती है यहाँ ब्रेन में. आपके साथ भी होता है ना, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूँ कि 2020 आपका कैसा रहा, और हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा, है ना, और हम बहुत सारे टेक अवेज लेके जा रहे हैं एज अ लगेज इनटू 2021. और वो कुछ भी हो सकता है. मेरे लिए अनलर्न, रीलर्न, कोलैबोरेटिव बिल्डअप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं. और एक और चीज़ जो मैंने जिसकी ज़रूरत महसूस की वो है लर्निंग द आर्ट ऑफ अडैप्टेबिलिटी, कि हम किस तरह बदलते हुए हालात के लिए पहले से यहाँ से और यहाँ से सुकून में रह सकते हैं और प्रिपेयर्ड रह सकते हैं ना. आई वुड वॉन्ट, माई टीम वुड लाइक योर फीडबैक ऑफ हाउ 2020 वॉज फॉर यू, और 2021 में आप ऐसे क्या चीज़ें अपने साथ एज अ लगेज लेके जाना चाहते हैं. और ये भी समझते हैं कि एज अ नेशन, एज अ कम्युनिटी, अगर हम सब उन चीज़ों को साथ लेके जाएं 2021 में, तो हम सब के लिए ये एक बहुत बेहतर 2021 हो सकता है. क्या ख्याल है? हम वेट करेंगे आपके वीडियो फीडबैक का इंशाल्लाह.